आपके इन्फिनिक्स फोन के अंदर बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया है। इन सारे सेटिंग को अगर आप अपने फोन में कर लेंगे तो फ़ोन के बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और चाहे इन्फिनिक्स का आपके पास कोई भी मॉडल हो, हॉट 12, हॉट 11 या कोई भी सीरीज का फ़ोन हो, तो आप अपने बैटरी बैकअप बढ़ा पाएंगे। कुछ सारे सेटिंग हैं जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बिना वक्त को गवाए हुए वीडियो की ओर चलते हैं। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और कमेंट में लिख देना है इन्फिनिक्स मोबाइल बैटरी बैकअप ट्रिक, या तो इन्फिनिक्स मोबाइल बैटरी सेविंग ट्रिक आपको लिख देनी है। ओके, बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में आपको जाना है, और आपको सेटिंग एक नेविगेट करना है, जो कि नीचे आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो आपको मिल जाएगा पावर मैराथन, यहाँ पे दिखेगा। तो खैर, इसके अंदर आपको जाना है। इसके अलावा तीन सेटिंग और इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले ये सेटिंग को हम करेंगे। यहाँ पे एडवांस सेटिंग मिलता है और बैटरी यूजेज मिलता है। सबसे पहले आपको बैटरी यूजेज के अंदर जाना है। बैटरी यूजेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपने जिस ऐप को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उसका यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको दोस्तों जैसे कि ये लूडो किंग है, और मुझे इसके अंदर बैटरी यूजेज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये बैटरी बैकअप ज़्यादा खाता है। तो खैर, यहाँ पे आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको बहुत सारे ऐप दिख जाएंगे जो कि आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में जाइए और यहाँ पे ऑप्टिमाइज बैटरी यूज कर दीजिए। ये देखिए ऑप्टिमाइज बैटरी यूज। तो नॉट ऑप्टिमाइज में होता क्या है, हमेशा ये डाटा कंज्यूम करते रहता है, डाटा खाते रहता है, बैटरी भी खाते रहता है बहुत ज़्यादा। अगर ऑप्टिमाइज कर देंगे तो ये मतलब आपका जो है बैटरी बहुत ज़्यादा तक बचेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए आप इन्फिनिक्स नहीं चलाते हैं, आपके पास MI रेडमी का फ़ोन है, तो उसमें भी ये सेटिंग मिलता है। हाँ, लेकिन इन्फिनिक्स वालों के लिए ये सेटिंग बहुत तगड़ा है, बैटरी के सेटिंग में मिल जाता है, और दूसरे मोबाइल में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा एप्लीकेशन मैनेजर में जाके। लेकिन इसमें देखिए, अब यहाँ पे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाइए, ऑप्टिमाइज कर दीजिए और फिर डन कर दीजिए। कितना मस्त यहाँ पे है। और वैसे ही आपको लगता है जो कि ज़्यादा कंज्यूम करने वाला क्रोम, भाई ये तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है बैटरी, इसको डन करिए और डन, बस हो गया। और ऐसे ही ये अदर कुछ ऐप है जो आपको थर्ड पार्टी लगता है, उसको भी ऑप्टिमाइज कर देना है, ये इसको भी ऑप्टिमाइज कर दीजिए। स्नैपचैट तो भाई इसको छोड़ना मत, इसको अगर चलाते हो तो इसको भी ऑप्टिमाइज कर देना है। यहाँ पे बहुत हद तक आपका बैटरी सेविंग हो जाएगा, लेकिन हम इसके अलावा और भी सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका 10 ऐप रहे, आप 10 ऐप को ऑप्टिमाइज आपको कर देना है। यहाँ पे एडवांस भी मिलता है, तो एडवांस में आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है कि पावर बूस्ट रिमाइंडर, ये जो है ना, इसको हमेशा 40% नहीं, यहाँ पे 50 रहना चाहिए, 50 पे देख के ये पावर बूस्ट आपका बंद रहेगा, इसको चालू कर देना है। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, जब फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने लगेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक या तो आपको रिमाइंड करेगा, एक बटन आएगा, उसको पावर बूस्टर को रिमाइंड कर देना है, ओके कर देना है, बस काम खत्म। ये दो सेटिंग तो यहाँ पे तगड़े तगड़े सेटिंग है। ठीक, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। एक चीज़ और, अगर आपका बैटरी परसेंटेज नहीं दिखता है, आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज नहीं दिख रहा है, तो आपको मिलता है बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन नीचे। ये देखिए, आपका सिर्फ ऐसे बैटरी दिखता है, तो अब यहाँ पे आपका पूरा दिखेगा। ठीक है, बैटरी परसेंटेज को चालू कर दीजिएगा। हम यहाँ से बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, जो कि आपको करना है अपने मोबाइल के अंदर। आपको दोस्तों आ जाना है प्ले स्टोर में। मैं आ गया प्ले स्टोर में, आने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग। सेटिंग में जाना है, नेटवर्क प्रेफरेंस में जाके आपको ऑटो अपडेट ऐप के ऊपर जाके इसको डोंट ऑटो अपडेट कर देनी है। ये कर देंगे, सेटिंग चेंज कर देंगे, तो यहाँ से भी आपके बैटरी बचेंगे, और आपके इन्फिनिक्स रहे मोबाइल या कोई और कंपनी का मोबाइल है, बहुत आपका बैटरी बचेगा, तो इसको डोंट ऑटो अपडेट पे कर देनी है। यहाँ से बैक आ जाइए। अब यहाँ पे जो मैं आखिरी सेटिंग बताऊँगा वो
हमारा ये चौथा पांचवा सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों आपके नोटिफिकेशन, आपको मैसेज वगैरह बहुत ज़्यादा आते होंगे तो आपको जो है ना, यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे ये देखिए फ्लिपकार्ट का आ रहा है, इस पर क्लिक करो, सेटिंग आपको सब में मिलेगा। सेटिंग मैंने कैसे किया फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे मैंने दबाए रखा सिर्फ और ये सेटिंग दिख गया। सेटिंग पे जाइए और इसको ऊपर में जाना है, ये शो नोटिफिकेशन सबसे ऊपर वाला, इसको बंद कर देना है। अब देखिए ऊपर से तो आपका गायब हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके नोटिफिकेशन में बार बार नहीं आएगा। नोटिफिकेशन में बार बार आने के बाद ना वो भी आपका बैटरी लेता है, सोच लीजिए ना, आपको 10 जैसे ये 10-10, 15-15 ऐप होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो आपको भी आपको कोई अगर 10 आदमी आपको कोई बार बार परेशान करता है आके कुछ से कुछ बातें करके, तो आप परेशान होगे ना। उसी तरीके से आपके फ़ोन के अंदर जो सीपीयू मॉनिटर होता है, जो कह लीजिए प्रोसेसर होता है, उसको काम करने की ज़रूरत पड़ती है ना, जो नोटिफिकेशन आता है। तो इसीलिए जब आप इसे बंद रखेंगे बहुत काम आएगा बैटरी बचाने में, क्योंकि वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता है प्रोसेसर को। और दूसरा चीज़ इंस्टाग्राम के भी आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन आते हैं, तो इंस्टाग्राम में मैसेज को छोड़ के आप चाहते हैं सभी को बंद करना, तो और सभी को बंद कर दीजिए। ये कमेंट वाला सो नोटिफिकेशन ये बंद कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज आएगा, जब कोई मैसेज करेगा तो वो मैसेज आएगा, चाहते हैं किसी मैसेज का भी नोटिफिकेशन ना आए तो इंस्टाग्राम का ये ऊपर वाला बंद कर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैसेज आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सेटिंग आप मैनेज कर लोगे अच्छे से। वैसे ही और भी ऐप हैं, ये देखिए पाम स्टोर है, पाम स्टोर ऐसे कुछ दिखाता है, मैं इसको भी नहीं चाहता इससे भाई कुछ मुझे आए, बंद कर दिया। एक तो मेरा फ़ोन भी अब क्लीन रहेगा और दूसरा फ़ायदा होगा कि मुझे इरिटेटिंग वाला बहुत ज़्यादा फालतू का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, दोनों फ़ायदा मुझे होगा। और साथ ही साथ जो फ़ोन है, फ़ोन का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। ये सारे सेटिंग करेंगे तो सिर्फ आपको ये सारे फ़ायदे के अलावा आपकी बैटरी तो बढ़ेंगे ही, बैकअप वगैरह, और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है वीडियो से आप समझ गए होंगे कैसे अपने इन्फिनिक्स मोबाइल के अंदर बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। वैसे ये सारे सेटिंग कर लेंगे दूसरे मोबाइल में भी तो उसमें भी काम आ जाएगा। और बाकी इस वीडियो को जो देख रहे थे ना, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो भेज दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि और कोई भी फ़ोन चलाते हैं तो अपने फ़ोन के बैटरी बैकअप को बढ़ा पाएंगे। और कमेंट में लिख देना है अपने मोबाइल का नाम, मोबाइल नाम लिखना है इन्फिनिक्स का जो मॉडल आप चलाते हैं, और लिख देना है नाइस बैटरी बैकअप ट्रिक या बेस्ट बैटरी बैकअप ट्रिक, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो पता चले। मैं मिलता हूँ आगे, थैंक यू, बाय।